हेलो फ्रेंड्स, आज मैं राजस्थानी दाल ढोकली बनाऊंगी। दाल ढोकली बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स इस प्रकार है। आधी कटोरी दाल ली है, जिसमें मैंने चने की दाल, मूंग की दाल, जो छिलके वाली और विदाउट छिलके वाली दोनों ली है। इन्हें मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। भीगने के बाद ये ऐसे इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। और आधी कटोरी कटे हुए हरा धनिया, एक प्याज कटा हुआ, एक टमाटर कटा हुआ और दो तीन लहसुन की कलियां कटी हुई, हींग थोड़ा सा और थोड़ी सी लेनी करी लीव्स, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, एक चम्मच ऑयल, लहसुन अदरक और मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला, इन सब का पेस्ट बना लिया है। मेल्ट किया हुआ घी लिया है, आधी कटोरी बेसन, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधे छोटे चम्मच से भी कम लिया है मीठा सोडा, डेढ़ कटोरी आटा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ढोकली बनाना। आटे में बेसन डालूंगी, मीठा सोडा, अजवाइन, आधा चम्मच से थोड़ा कम लाल मिर्ची पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, मिला लेंगे पहले। मिला लिया है, अब इसमें घी डाल देंगे, दो टेबलस्पून जो लिया था। अब इसे मिला लेंगे अच्छे से। पानी की सहायता से आटा लगा लेंगे। ढोकली बनाने का आटा लग गया है, इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जब तक ढोकली को बॉईल करने का पानी गर्म कर लेते हैं। गैस ऑन करके बर्तन में पानी डाल के मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब 10 मिनट हो चुके हैं, बना लेते हैं आटे की। ढोकली बन गई है, पानी भी बॉईल हो गया है, अब इसमें ढोकली डाल देंगे सारी। मीडियम फ्लेम करके डाल दिए सारी ढोकली, अब मीडियम फ्लेम रखेंगे। ढोकली बनने में 15 से 20 मिनट टाइम लगेगा, बीच बीच में इसे हिलाते रहेंगे। जब तक ढोकली बन रही है तब तक दाल बना लेते हैं। गैस ऑन करके प्रेशर कुकर रखेंगे, अब इसमें ऑयल डाल देंगे, ऑयल गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, सब डाल देंगे, मिलाएंगे अच्छे से। थोड़ा सा पकने देंगे, अब इसमें प्याज डाल देंगे, मिलाएंगे, लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज हमारे पक चुके हैं, अब इसमें दाल डालेंगे। दाल के अंदर ही मैं आधा चम्मच डालूंगी नमक, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर,
आधा चम्मच हल्दी। इस दाल को आप प्याज पके हुए हैं उनमें डाल देंगे। हिला दिए, अब 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। जब तक ढोकली चेक कर लेते हैं, ढोकली को हिला देंगे, पक रही है ढोकली अभी। अभी 10 मिनट और लगेगा। दाल में अब टमाटर डाल देंगे, हिलाएंगे। गैस की फ्लेम तेज कर देंगे 2 मिनट के लिए। दो मिनट हो चुके हैं, अब इसमें पानी डालेंगे। डेढ़ गिलास पानी डाला है, अब गर्म होने देंगे। चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और पेस्ट बनाया हुआ लहसुन अदरक थोड़ा गरम मसाला हरी मिर्ची का डाल देंगे। अभी लाएंगे अच्छे से। प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे 1 विसल आने तक, फिर गैस को बंद कर देंगे। ढोकली को भी 20 मिनट हो चुके हैं, पक चुकी है। गैस की फ्लेम बंद करके ढोकली निकाल लेंगे। सारे निकाल ली है सारी ढोकली, 1 सीटी आ चुकी है। अब दाल चेक करेंगे। देखिए दाल बन चुकी है, गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, वो पानी ढोकली वाला होगा। सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे, आधी गिलास जितना ही डाल दिया है। अब 5 मिनट के लिए ऐसे ढक के रख देंगे। बंद नहीं करेंगे, बस ऐसे ही पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें ढोकली डाल देंगे सारी। मिनट के लिए ढक देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, विसल नहीं लगानी है, ऐसे ही ढका है। 5 मिनट हो चुके हैं, अब चेक करेंगे। तैयार है हमारी दाल ढोकली, अब गर्मा गर्म सर्व करेंगे। गैस को बंद कर देंगे। दाल ढोकली सर्व कर दी है, अब इसे हरे धनिया से गार्निश करेंगे। हरे धनिया से गार्निश कर दी है। आप इसे जरूर रेसिपी को ट्राई करिए, अपने फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स को सबको बना के खिलाइए, बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई रेसिपीज आप मिस ना हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय, टेक केयर।